देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, महा इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मुंबई के विक्रोली रोड नंबर 7 पर, जहां पर आज जो पार्किंग की समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे अगर देखा जाए कि बाइक हो चाहे ऑटो रिक्शा हो, कहीं ना कहीं इनलीगल तौर पर फुटपाथ पर पार्किंग कर दी जाती है, जिससे जो यहाँ के राहगीर है और जो रेसिडेंशियल है यहाँ के रहने वाले जो रहवासी है, उनको कहीं ना कहीं आने जाने में फुटपाथ से काफ़ी समस्या होती है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की महानगर पालिका हो चाहे ट्रैफिक विभाग हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए, जिस तरह हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है गंगूबाई जगताप, जो कि लगभग 70 से 72 साल जिनकी उम्र हो सकती है, आज वो इसी का शिकार होती हुई यहाँ पर नज़र आई हैं, जिनके माथे पर तकरीबन 8 से 10 टाके स्टेचेस लगे हुए, जो इसी का एक जीता जागता नमूना है कि इन फुटपाथों पर इनलीगल तौर पर जो पार्किंग लगी होती है, ना ही उस पर महानगर पालिका बल्कि ट्रैफिक विभाग पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर कुछ दबंगों का इस तरह से रसूख चलता है कि जिससे ट्रैफिक पुलिस और महानगर पालिका इन पर कार्रवाई करने से डरते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ की जो समस्या है वो किस तरीके की है, क्या क्या तकलीफें हैं और कई सालों से ये समस्या हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद सलीम खान। मैं पिछले 25 सालों से 7 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ, विक्रोली पार्क साइड। यहाँ की जो समस्या है क्या है पार्किंग की? ये देखिए, मैं 2018 से ये जो रोड था अपना छोटा था, हमारा 10 फुट का ये था फुटपाथ था, 10 फुट का फुटपाथ काटने के बाद में 5 फुट का हुआ। हमने सोचा कि ये जो है ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो जाएगी, और नो पार्किंग जोन भी हमारा पहले से 2007 से, लेकिन ये बोर्ड ना होने के कारण ट्रैफिक पुलिस आकर कितनी भी कंप्लेंट करें तो ट्रैफिक पुलिस आकर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती। ये हमारा 2018 से हमारा इसको फॉलोअप है, बार बार जाने के बावजूद भी कोई काम होता नहीं। अब ये बोर्ड लगने के बाद असामाजिक तत्वों ने बोर्ड को उखाड़ फेंका, और आज ये देखिए पूरा फुटपाथ ब्लॉक है, पूरा यहाँ से यहाँ डबल पार्किंग में रिक्शा लगा है। बार बार कहने के बाद में अभी इतना बड़ा हादसा हुआ 17 तारीख के दिन, जिसने झिकझोर दिया। हमारी माँ समान गंगूताई जी आई और जा रही थी, ये ट्रैफिक होने के कारण और शाम में पीक आवर में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है, वो गिर गई और उनको 10 टाका लगा। खुदा ना खास्ता अगर पत्थर दिल में घुस जाता कुछ होता, आज वो हमारे बीच में नहीं होती। और यहाँ पर ये दिन आए दिन ऐसे हादसे होते रहते, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को कुछ भी चिंता नहीं, लाख लाख बार जाके बोलने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती है। जो 90 फीट रोड है, 17 नंबर रोड नंबर, वहाँ थी ये जाके वहाँ पे क्लेम लगाते हैं, वहाँ पे करते, जबकि वहाँ पे तो कोई जाने वाला नहीं, वहाँ दूर दूर तक कोई रहवासी बस्ती नहीं है, रेसिडेंशियल बस्ती नहीं, और यहाँ पर कोई कितना भी कहेंगे तो यहाँ पे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे नज़दीक या करीब में कोई स्कूल भी है? स्कूल गुरुनाला इंग्लिश हाई स्कूल है, और BMC का मेफर में एक हाई स्कूल है। बच्चे जब छूटते और सेंट जोसेफ की बसें आती है, डॉन बोस्को की बसें आती है, अल बरकाती की बस आती है, पुणे विद्या भवन की बस आती है, जब स्कूल अगर चले तो यहाँ आप रह नहीं सकते, इतना इंक्रोचमेंट है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, क्या क्या है। और BMC का स्लोगन है, ट्रैफिक पुलिस का स्लोगन है कि अनुशासन जहाँ होगा अनुशासन वहाँ होगा सुशासन। सुशासन तो दिखता ही नहीं, सिर्फ उनका भाषण ही दिखता है। तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है, मैं देख रहा हूँ किस तरीके से जो यहाँ पर स्क्रैप की जैसी हालत गाड़ियों की है, क्या यहाँ पे लोकल रहने वालों की गाड़ियाँ हो सकती है? ये लोकल रहने वालों की गाड़ी हरगिज नहीं है। अगर आप एम परिवहन में डाल के देखेंगे, 3 से 4 रिक्शा है, जो ये हनुमान नगर रामनगर का नाम आता है, वो लोग यहाँ लाते लगा देते। अभी क्या है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, क्या सिर्फ परमिट जारी कर रहा है, परमिट जारी कर रहा है। अरे मुंबई में जगह है, मुंबई में रहने के लिए जगह है, आदमी रहने जगह नहीं है, तुम रिक्शे पे रिक्शा देते जा रहे हो, तो यह हालत होने वाली है। इसके लिए सरकार से भी मेरी दरख्वास्त है कि सोचो, और मैं माँ इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आवाज़ में आप लोग आए। तायरा मस्जिद में भी आप लोगों ने आए थे, बहुत अच्छी भूमिका निभाए, हमें वहाँ पर इंसाफ मिला, स्टे मिला, हमारे अल्ताफ भाई महबूब भाई वगैरह सब ने भागदौड़ करे, हमारे लोग सब जागरूक है, हमारे आज मेरे एक आवाज़ पे हमारे अफजल भाई आए, तमाम बिल्डिंग की मेरी महिलाएं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी बात सुनकर मैं एक बात आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से मुंबई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रिक्शाओं की जो पार्किंग होती है, कहीं ना कहीं पे एंड पार्किंग, जिस तरीके से अगर आइडिया की बात की जाए तो वहाँ के जो रसूखदार होते हैं वो पार्किंग की चलाई जाती है पैसा देकर, क्या ऐसा कोई मामला यहाँ पर है? अभी यहाँ पर तो बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। बिगर सबूत हमारा, मेरा पेशा नहीं है कि बिना एविडेंस के या सबूत के मैं कोई आरोप लगाऊं, लेकिन बहुत कुछ सुनने मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पे चलता है, रिक्शे वालों का सब है, चल नहीं रहा है, सबको दिख ही रहा है, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती है? इसके अंदरूनी कुछ भ्रष्टाचार होगा, कुछ घुसखोरी होगी, कुछ रिश्वतखोरी होगी, वो तो वही लोग जान सकते हैं जो करते हैं, लेकिन कुछ तो करप्शन है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। हमारे साथ एक शख्सियत और मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए साहब। मेरा नाम राम चौहान है। कब से आप यहाँ पर रहते हैं?
मैं जब मेरा पैदा ही सिया का है और मेरा बिल्डिंग 45 ईयर से रह रहा हूँ। तो यहाँ की जो समस्या है पार्किंग की, क्या ये कई सालों से है या अभी कुछ ही महीनों से, जिस तरह की लॉकडाउन की बात की जाए तो उसके बाद से ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़े रहने लगी हैं? नहीं, बहुत सालों से ट्रैफिक की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। रोड नंबर 7 का मेरे ख्याल से 2012 या 2013 को ही काम हुआ था। अभी ऐसा हो रहा है कि जो हमारा मदीना चौक जो है, मदीना जमा चौक, हकीकत में मदीना नाम का एक चौक यहाँ पे बना है, वहाँ के बाजू में अभी नया रिक्शा स्टैंड बना है। उसको कौन परमिशन दिया पता नहीं, किसी के धंधे के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो यहाँ की जो रिक्शा वाले लोग जो होते हैं, जो माँ बाप बहन के ऊपर जो गंदी गाली देते, तो बिल्डिंग में सुनने के बाद आदमी वहाँ रह नहीं सकता है। हमें उनकी कुछ शिकायत नहीं, लेकिन हर एक जन का पेट है, हर एक का अपना अपना अस्तित्व है, उसको ये करने के लिए भी ये लोग ने कुछ सोचना चाहिए। महानगर पालिका के जो सलीम भाई ने, वहाँ अल्ताफ भाई अपने आए, हर एक का कहना है कि ट्रैफिक का, मैं आपको ये बोलता हूँ, आप शाम को 6-6:30 के बाद यहाँ पे आके देखो, आदमी चल नहीं सकता है। यहाँ पे पीछे हमारे गुराना स्कूल है, गुराना का साहब कुछ जिम्मेदारी हुआ, किसी बच्चे को लग गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम हमारी कॉलोनी के लोग ट्रैफिक हवालदार के ऊपर ही छोड़ने वाले, वो डिपार्टमेंट भी देना है। जो समस्या है, बस यही समस्या है कि जो पार्किंग की जगह है उसको हटा ली जाए। जी हाँ, ये रोड नंबर 7 और रोड नंबर 1 ये मेन रोड है, इसको ट्रैफिक हटाना ही चाहिए। और जो कुछ एक्शन होना है तो कॉलोनी भी उनके साथ में रहेंगी, लेकिन उनको पहल तो उन्होंने करा हर टाइम पे। अभी मोती ज्वेलर्स के पास वहाँ पे कैमरा लगाया महानगर पालिका ने, वो काय के लिए लगाया? झगड़ा होएगा तो ही वो लोग आएंगे और पुलिस उसमें कमाएगी, ऐसा भी इसके लिए लगाया क्या? ट्रैफिक भी उनको दिखता है तो वो लोग उस समय वो दिखने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लेता है? यानी ऐसा क्यों सोचता है कि आम आदमी आ गया है फिर हम कार्रवाई करें? तो कैमरा लगाने का मतलब ये होता है कि सिग्नल तोड़ने के बाद तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा पैसा आता है, तो ऐसा वो क्यों नहीं करते? आदमी को फाइन गिरेगा, आदमी को यहाँ पे जामर लगाया तो कुछ हुआ तो हो ना रहा है, लेकिन कोई करता नहीं। जैसा सलीम भाई ने बताया कि 90 फीट रोड पे सब काम वहाँ पे। इस तरह अगर बात की जाए कि मुंबई जैसे शहर पे सिग्नलों पे जो कैमरे लगाए हैं, उसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक के जो हवलदार हैं, उनको एक मोबाइल सिस्टम दिया गया है जिससे वो अपने नंबर प्लेट पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट का फाइन लगाते हैं। क्या इस तरीके से यहाँ पर कोई हवलदार या तो हमारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे पुलिस के ट्रैफिक के कोई आते हैं इस तरीके से? नहीं, यहाँ पे कोई आता नहीं है। जानकारी लेंगे किस तरीके से क्या क्या इन्होंने भागदौड़ की है इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु वइयाका नस्तईन। इस पार्क साइड के अंदर हम लोग तकरीबन हमारा बचपन से लेके अब तक, अब हम लोगों की जवानी भी और बुढ़ापे के दरमियान पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमने डीसीपी अखिलेश सिंह साहब थे उस वक्त में, और एसीपी कनाडे साहब थे, सीनियर पवार मैडम वहाँ थी, अब वो रिटायर हो गई है। उसके अलावा जो है, हमने लास्ट मीटिंग जो क्रिसमस के लिए हुआ था तो हम लोगों ने उस टाइम पर बंसोड़े साहब के सामने भी बात रखा था कि बंसोड़े साहब, ये हमारा इलाका अभी इसकी आबादी बढ़ गई है, रोड छोटे हैं, आप ये इतनी बड़ी बीएसटी की बस क्यों घुमा रहे हैं? वो छोटी जो बीएसटी की बस आई है अभी फोर्स की, उसको ये करो। उन्होंने लिख लिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, ये ऐसी समस्या है कि हैवी गाड़ियाँ जो आती है हमारे अगर अनाज के लिए आ रही है, हमको अनाज तो मिल रहा है, क्या वो अनाज की गाड़ियाँ भी जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है वो छोटी गाड़ी का इस्तेमाल कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ट्रैफिक भी उसके अंदर बेहतर तरीके से हो सकती है। तीसरी बात यह है कि भी इस तरह आपने भी बात कही कि अनलोडिंग और लोडिंग की बात रह गई जहाँ पे बड़ी गाड़ियों के अलावा छोटी गाड़ी, लेकिन आज अगर देखा जाए पेट्रोल और डीजल के भाव पे भी, तो उन लोगों को भी इस बात से परवड़ना चाहिए, इन व्यापारियों को। देखिए, परवड़ना और नहीं परवड़ना जिस सरकार में हम लोग रह रहे हैं, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम जिंदा हैं, और जिंदा रहने के लिए हम लोग हाथ पर मारते हैं। वैसे मनोज कोटा जब आए हैं यहाँ तो उन्होंने हमारे बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए पहल की, और 405 का स्क्वायर फुट का जो ओनरशिप का बेसिस का वो भी मूव कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीएमसी 28 नंबर को भी वापस नोटिस देती है। तो हम ये नहीं समझते हैं कि एक बार बीएमसी पवार साहब इधर मौजूद रहते, एएमसी मौजूद रहता है, और बीएमसी के लोग ऐसा नहीं है कि इस इलाके से आते नहीं जाते हैं। यहाँ से आज से 6 महीने पहले तकरीबन परदेसी साहब जो इधर के कमिश्नर थे वो भी यहाँ से गुजरे और म्यूनसिपल हॉस्पिटल के सामने रुके और देखे। देखने के बाद क्या हुआ, पहले बिल्डिंग थी अब बिल्डिंग नहीं है, अब कचरे का पहाड़ उधर तैयार हो रहा है। तो ये हमारे इधर की समस्या वहाँ के वही है। हमारे महा इंडिया की तरफ से भी काफ़ी तरह से बहुत पहल की गई और बताया गया कि हमारा 1 नंबर का रोड, 7 नंबर का रोड, हमारा 17 नंबर का रोड, ये सारा, और हमारे महा इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी पार्क साइड में रहते हैं। मेरे आपसे यही गुजारिश है कि हम लोगों को कब न्याय मिलेगा? हम चाहते हैं कि यहाँ पे बूढ़ा जाने वाला बच्चे, स्कूल के बच्चे जाने वाले, बाजार को निकलने वाली माँ, मेरी माँ बहनें, ये सारे जो लोग हैं सुकून के साथ उस फुटपाथ से चले,
फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ का तो अभी यहाँ पे कोई मामला ही नहीं रह गया है। साफ सफाई का मसला रह गया, वहाँ पे तो जो कार्पोरेटर होता है उसका बहुत सा काम होता है, तो आपने उनके लिए कुछ निवेदन पत्र या उनसे कुछ? BMC में बाकायदा मेरे पास में रिटर्न उन लोगों को वो सारी चीज़ें लिखी गई है, और जैसे सलीम भाई भी इसको बाकायदा फॉलोअप कर रहे हैं, उनके पास भी फाइल है। हम लोग BMC से लेके ये जो सीनियर जो ट्रैफिक है इंस्पेक्टर, उसका नाम है तलेगांवकर, उसको पर्सनल मिलके भी हमने बोला है, और अंबी साहब को भी इसके बारे में हम लोगों को मालूम है, काजी साहब करके यहाँ के साफ सफाई के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से तो हमारे को रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन BMC के दीगर अधिकारी विजिलेंस करके क्यों नहीं इस मामले को करते हैं? जैसा वो लोग फोटो खींच रहे हैं ना ट्रैफिक वाले, तो तुम भी तो ये देखो कि तुम भी जो है ना, तुम्हारा कोई एक ऐप बनाओ जिसके अंदर इंक्रोचमेंट होता है, जिसके अंदर लोगों को असुविधा पैदा होती है। जैसे आपने खुद अभी बोला क्या स्क्राइब डाउन रिक्शा भी यहाँ खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं भाई, इनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमें किसी के रोज़गार से कोई ये नहीं है, लेकिन रोज़गार के साथ साथ आप अपने परिवार का भी ख्याल रखो। कभी आपके परिवार का आदमी को अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो, राजावाड़ी जाना हो, किसी और हॉस्पिटल में जाना हो, तो उन उस वक्त में क्या बोलेंगे आप? उस वक्त आप बोलेंगे कि ट्रैफिक जाम हो गई, इसके लिए मैं मेरी माँ को नहीं बचा सकता या मेरे भाई को बचा नहीं सका। तो आप ये सोचो, हर एक का आदमी का ये प्रॉब्लम है, हर एक की ये समस्या है। अगर हम जागरूक नागरिक बनेंगे, अलर्ट सिटीजन बनेंगे, तभी जाकर जो है ना इस मसले का समाधान होगा। और ये जिस तरह से जो अभी जो मसला गदेले वाले में जो आग लगी थी, अच्छा आप ये बताइए कि इतना बड़ा एरिया है हमारा, कुछ ही एक 5 मिनट भी नहीं है, फायर स्टेशन है, और वहाँ पे फायर स्टेशन का बाकायदा बहुत बड़ा ऑफिस, वो पहुँच नहीं सकता पार्क साइड के, पार्क साइड में, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये कितने जेल जल के भी मरे लोगों, जब एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा सकती है, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा सकी, पुलिस वक्त में नहीं पहुंच पा सकती है, तो यहाँ के ये मैटर को सीरियसली लिया जाए, और इसी तरह मुंबई के अंदर जितने भी इस तरह के है मामलात उसको भी देखा जाए। अभी ये लोगों का एक मैसेज आया था कि हम पार्किंग वालों को फौरन फाइन मारेंगे, आप उसकी सुविधा का भी तो ये करो। तो मेरे पास प्रॉब्लम उठाया मैंने, उसका सॉल्यूशन भी है, वो सॉल्यूशन आप सुन लीजिए। हमारे पास लाल मिट्टी ग्राउंड है, उसके बाद में हमारे मेफेयर के सामने का एक ग्राउंड है, आप ऐसा करें कि 10 बजे रात के बाद 8 बजे तक उनको पार्किंग के लिए अलॉटमेंट दें, उन लोगों के पास जो लोग पार्क साइड के रहने वाले हैं उन लोगों को एक कार्ड दें, वो लोग अपनी महीने की फ़ीस भरें, ताकि वो समाधान भी हो सके और आपकी ये ट्रैफिक का कंजेशन भी ख़त्म हो सके। कुछ ऐसा रास्ता तो ढूंढो, सब बात हम नहीं करेंगे, तो ये इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे। और दूसरा, जिस तरह हैदराबाद में, जिस तरह बेंगलोर के अंदर बड़ी सिटी के अंदर हैवी गाड़ियों को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक परवानगी है, उसके बाद में सिटी में परवानगी नहीं है, मुंबई कमिश्नर ट्रैफिक वाले को भी, मुंबई कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब को भी इस पर सोचना होगा कि मुंबई की बढ़ती हुई आबादी को, और स्लम इतना आबादी बढ़ गई है, तो हमें रात को 10 बजे से लेकर 8 बजे तक हमको इसका इंतज़ाम करें, ताकि हैवी ट्रैफिक का जो है मामला ख़त्म हो जाए। यही कुछ अल्फाज मैंने आपको कहा, कुछ सुझाव मैंने दिया, कुछ सॉल्यूशन भी दिया है। उम्मीद करता हूँ महा इंडिया से कि वो हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाए, और ऐसा एडिट ना करें कि हम मेन जो टारगेट किए वो टारगेट उसमें से निकल जाए। ये मेरी कोशिश है कि हम किसी भी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कानून तोड़ता है उसके खिलाफ है। सबसे पहले एक हफ्ते का अवेयरनेस ड्राइव चालू करें, लोगों को सूचित करें कि अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग में होती है या आप गाड़ी लगाकर यहाँ से चले जाते हैं, तो आप पर पुलिस कार्रवाई होगी। ये हमारा सबका यही कहना है कि पहले उनको अवेयर करें BMC की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ, पुलिस की तरफ से, फिर आप जो है कार्रवाई करें, बहुत अच्छी बात होगी। ये मेरा निवेदन। क्या नाम है आपका? शमीम कुरैशी। क्या प्रॉब्लम है तभी? क्या फुटपाथ पे ट्रैफिक इतनी है, पूरी लाइनें में रिक्शा और बाइक खड़ी है, चलने की जगह नहीं है, ये तकलीफ हद से ज़्यादा है बच्चों को, हमको भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है। रोज़ की प्रॉब्लम है, एक दिन की नहीं है, रोज़ की है, हमेशा की है। हम चाहते हैं कि जाने के आने के लिए रोड बना हुआ है, और ट्रैफिक खड़ी हुई है, बाइक खड़ी है, रिक्शा खड़ा है, जाने आने को जगह नहीं है, इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि बचना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो, चाहते हैं जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके रोड क्लियर हो और यहाँ की ट्रैफिक एकदम ख़त्म हो, ताकि हमारे बच्चों को, हम लोग को चलने का मौका मिले। रोड की वजह से हम चल नहीं सकते, बाजार जा नहीं सकते, रोड जाम हो जाता है। जब आप घर से निकलते हैं तो किस तरीके की आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है रोड पर? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मिल्लाह शेख हूँ, रूम नंबर 6 में रहती हूँ, 7 नंबर बिल्डिंग में। मेरा ये कहना है कि हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सब है, और मेरी सास का खुद 2 बार हाथ टूट चुका है, कितनी प्रॉब्लम हुई है उनको, वो जो दर्द जब झेले, अगर ऐसा किसी के साथ ना हो
अभी इनका भी ऐसा हो गया है। ये हमको के बूढ़ों लोगों के साथ ऐसा होता है, अच्छी बात नहीं है। और बच्चे लोग जब स्कूल से आते हैं या कुछ सामान लाने आते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों को भेजना या सही नहीं है या गलत है, या ऐसा लगता है ये जो गाड़ियाँ रॉन्ग खड़ी है, सही नहीं है ये खड़े रहना। अब हम लोग फुटपाथ से आ जा सकते हैं अगर ये फुटपाथ खुला रहेगा तो, यहाँ से हम लोग को आना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं खुद मेरे बच्चे को स्कूल से लाते लाते बच्चों रिक्शे वाले ने मेरे को ठोकते ठोकते बाल बाल बच गई हूँ। इसके लिए मेरा भी यही बोलना है कि ये लोग जो सब बोल रहे हैं ये सब सही है, और आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। मेरा नाम अफजल खान है, मैं बिल्डिंग नंबर 24 में रहता हूँ। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आज हम लोगों को हमारी क्वालिटी के बारे में हम ही लोगों को जागरूक होना पड़ा, हमारे वरिष्ठ लोगों को कुछ नज़र नहीं आया। इतने ऑफिसर्स आते हैं, इतने लोग यहाँ पर आते हैं आरसीटी के पास में, और सारे लोग आरटीओ वाले आते हैं क्लाइंब लगाते हैं, और आज आपको आपके ये कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पाकशाह कॉलोनी की क्या हालत हो गई। क्या ये इनको दिखाई नहीं दिया? क्या ये लोगों को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा? तो हम ही लोगों ने इन लोगों को, ये हमारे वजह से ये चलता है, और ये हम ही लोगों को इनको दिखाना पड़ रहा है कि हमें क्या फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे इनके क्या काम, हमारे ये काम ही नहीं आ पा रहे हैं। भाई साहब, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये बोर्ड को निकाल के फेंक दिया गया बाकायदा। तभी भी इसके बारे में भी हमारे सलीम भाई ने काफ़ी मेहनत की, अल्ताफ़ भाई ने, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बोर्ड को हमने फिर से लगवाया है। यहाँ पे आप फुटपाथ पे देखिए, रिक्शा फुटपाथ पे छड़ी हुई है। तो मतलब बोलना ये है कि अगर हम ही लोग सब, अगर जनता को ये काम करना, तो वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं? मुझे सिर्फ उनसे ये सवाल करना था। हम चाहते हैं हमारे पाक साइड की ये प्रॉब्लम किसी तरह से भी सॉल्व हो। हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जैसे भाई ने बताया यहाँ पीछे स्कूल है, वहाँ पर बच्चों का आना जाना है, बुज़ुर्गों का मार्केट में आना जाना है। ऐसा हादसा फिर से ना हो, क्योंकि आज इनके साथ हुआ कल हमारी माँ बहन के साथ हो सकता है। आसानियाँ पैदा करो बस, यही हमारा। कोई आम आदमी खड़ा होगा तो सब रिक्शा वाले जमा होंगे, आदमी डरता है। आज इस मीडिया के थ्रू से हम लोग कहना चाहते हैं, हम ट्रैफिक हवलदार या ट्रैफिक काउंटर को बोलना चाहते हैं, आप हकीकत में आप यहाँ के देखो, अभी तो ये फेब्रुवरी चल रहा है, अप्रैल में शायद रोज़ा रमजान चलने वाला, उस समय हमारे उस भाई लोग को भी चलने के लिए जगह नहीं होती है। तो हकीकत में अभी एक पहल हुए, तो मेरे ख्याल से अभी का भी एक्शन होना चाहिए। मीडिया पे आने के बाद 8 दिन नहीं चले या ट्रैफिक कंट्रोल आएगा एक 2-4 दिन का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कायम स्वरूपी होना चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रोशन भी। बाइक वाले ने धक्का, बाइक वाले की वजह से गिर गए। हाँ, आने जाने की समस्या। हाँ, हाथ फ्रैक्चर हो गया था मेरा। 2 बार हुआ। हाँ, इसी जगह पे। हाँ, बहुत तकलीफ है यहाँ से आने जाने की। मेरे को तो इतना डर लगता है कि कैसा आना जाना। यही तकलीफ है, ये तो इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कैसा आना जाना। हाँ, फुटपाथ बंद है, चलने को जगह नहीं, चलने के लिए जगह नहीं है। कितना डर। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ट्रैफिक पुलिस जागा हो, जागर हो। ट्रैफिक पुलिस जागर हो। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स।